पीछे पीछे क्यों आ रहा है कॉन्स्टेंटली भाई? रो रही है, मोटी लगती है। पर गाइस वीडियो पर जाने से पहले मैं आप लोगों को दो चीज बताना चाहता हूँ। पहला तो हम लोग नासिक में नहीं है, रिटर्न आ चुके हैं। तो जितने भी लोग डीएम और मैसेजेस कर रहे हैं कि नासिक में मीटअप रखो, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तब हम पक्का मिलेंगे। वैसे आप स्टोरीज देखते रहो, हम लोग रेगुलर स्टोरीज डालते हैं हम कहाँ कहाँ पर है। और दूसरी चीज, आज इंडिया का बहुत ही बड़ा मैच है और आप लोगों के लिए है बहुत ही बड़ा मौका। रन मारे चाहे कोहली, राहुल या शर्मा, टॉप प्राइस तो आप ही को मिलेगा, जैसे कि दी सुपर एसयूवी महिंद्र थार एंड दी लग्जरियस मर्सिडीज ए क्लास लिमोजिन। अब और क्या चाहिए, अब ये कैसे जीत सकते हो उसके लिए आप वीडियो को देखते रहो। Hi guys, welcome to the new video. बहुत एक बार है, आज का वीडियो शुरू करते हैं एक अमेजिंग आइडिया के साथ। देखो, सब्सक्राइब टू द बेल आइकन। A few moments later. कौन करता है ऐसा हरकत? जल्दी टाइम देख, इडियट, ब्रेकफास्ट बंद हो जाएगा, जल्दी खड़ी हो। अंकिता, मैं सुबह से तीन बार उठा चुका हूँ मैं तेरे को। अगर अभी तुम नहीं उठे तो पूरे दिन तेरी बैंड बजा कर रखूंगा, सोच लेना। फाइन, ठीक है, रुक जा। उठ, तीन, तीन, दो, इधर देख, तो इधर देख। अबे आधे पौने घंटे में चेकआउट करना है, समझ में आ रहा है? और एक सेकंड, तू सोना ही है, सरप्राइज नहीं देना है जाके सब्सक्राइबर को। तो चल, ब्रश नहीं करना है ना, चल चल चल, ये कपड़े में चल रही है ना, नहीं चल चल, नहीं ब्रश भी नहीं, चल चल आज तो चल। आगे दे दो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सॉरी बोल के गुड मॉर्निंग बोल। चल ब्रश कर ले, बाद में कर लेंगे। अंकिता, ये होटल वाले मेरे चचा नहीं लगते हैं कि वॉशरूम से लेकर ब्रश तक में तो आधा घंटा लगा है। मैंने पहले ही बोला था इतना ही टाइम है, तेरे को बोल रहा हूँ। क्या करता है रे तेरी तो? नहीं कर, जल्दी कर, तू कितना भी ब्रश कर ले बांस मारने वाली है, रहने दे। चलो चल, अब बात करते हैं कि आप कैसे जीत सकते हो दो शानदार गाड़ियां, महिंद्रा थार और एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज ए क्लास लिमोजिन। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, तो ऑब्वियसली आप लोग मैच देखोगे, पर उससे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाके डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप और अपनी टीम बनाओ आज की मैच के लिए। माई 11 सर्कल पे फैंटेसी क्रिकेट खेलना सुपर ईजी है, आपको सिलेक्ट करने 11 प्लेयर्स फ्रॉम टू डिफरेंट टीम्स और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके पॉइंट्स आपके ओपोनेंट से हायर है तो यू कैन विन क्रेजी प्राइजेस ऑन माई 11 सर्कल। इस ऐप में प्लेयर सिलेक्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितने चाहे बोलर्स, बैट्समैन, ऑलराउंडर्स, जो चाहे चुनो, फुल फ्रीडम है ताकि आप अपना दिमाग विनिंग टीम बनाने में लगाओ विदाउट एनी टेंशन। तो सोचो मत, अभी माई 11 सर्कल डाउनलोड करके अपनी टीम बनाओ आज की इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच के लिए। टूर्नामेंट के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो द बीस्ट एसयूवी द महिंद्रा थार। टूर्नामेंट के एंड में जो लीडर बोर्ड को टॉप करेगा उसे मिलेगी द सुपर लग्जरियस मर्सिडीज ए क्लास लिमोजिन। और अपने चांसेस बढ़ाने के लिए हर मैच में इसको खेलना जरूर। और हाँ, अगर आप मेरी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उससे जाकर डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा रियल कैश आपके माई 11 सर्कल के अकाउंट में। एंड हाँ, डिपॉजिट करते आपको मिलेगा ₹1500 का बोनस। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके डाउनलोड करो एंड अपनी टीम बनाओ फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच ऑन माय 11 सर्कल नाउ। और अब अपने आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नासिक अब तक हमने घुमा नहीं है, बट ऑलरेडी वी लव इट। ये है मेरा ब्रेकफास्ट जिसमें मैंने काफी वैरायटी ले रखी है। वैसे पेरी पेरी पोटैटो बहुत अमेजिंग है,
और ये है अंकिता का ब्रेकफास्ट। आउट स्टेशन में फास्ट में कितना मजा आता नहीं अंकिता। ये है हमारा ब्यूटीफुल व्यू। प्रॉपर्टी बहुत ही अमेजिंग प्लेस पे है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। हो गया। अंकिता की भी जिद है ना अलग लेवल पे चलती है। 10:40 होने आई है। 11 o'clock का हमारा चेकआउट है पर इसको फोटो खिंचवाने बाद यहाँ से दरवाजा है 50 रुपए बोला मैं खुला है। कहाँ क्यों जाना है फुटबॉल कहीं पे मुझे ऐसे गुड मॉर्निंग की स्टोरी डालनी है इसलिए। हाँ अच्छा लगेगा पानी के पास पानी में डूब जाता भी अच्छा लगेगा। अफसोस ये पानी में मैं डूबने नहीं वाली। एक से अबे क्लिक तो करने दे। हाँ देख और बस हो गए क्लिक तो हो गई ना और बस मस्त बैठ जाता रुकना चलो खींचने दे मस्त और कुछ खड़े रहना पानी के पास तेरे को पता नहीं जितने लोग बाहर जाते पानी के पास तो खिंचवाते ये फोटो। अरे आ गया मस्त। ये गई हमारी गाड़ी यहाँ से दिख रही देखो स्कूल जा रहा है चलो। ठंडा पानी है बे देख मार पड़ेगी तेरे को। गाइज ये हमारा रिसोर्ट है बाहर से। ये भी बता दूं कि हम लोगों को चेकआउट जरूर करना है अभी बट चेकआउट करके इसी होटल में रुकना है बट रूम अलग है हमने थोड़ा सा एक्सपेंसिव रूम वो इस तरफ वाला जो लेक व्यू वाला रूम है ना वो लिया है। ऊपर जाके देख लेना अंकिता ऊपर जाके भेज ही दूंगा। अंकिता की वजह से इतना लेट हो गया हमको। ये जूते ले गया जूते हाथ में लेके जा रहा हूँ। एक्चुअली हमने रूम जो नेक्स्ट किए वो यहीं पे इसी फ्लोर पे हम आपको देते हैं डायरेक्टली रूम को। या हमारा सामान हमारा पहले पहुंच गया है। सेम वार्डरोब तो यहीं पे है वॉशरूम सेम है डिट्टो कॉपी है यार। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इस रूम में और उस रूम में क्या कि ये रूम महंगी है। महंगी रीजन सिर्फ एक है ये अरे वसूल है भाई। ये है हमारी बालकनी और ये है हमारा लेक व्यू। नाइट टाइम में यहाँ पे हैंग आउट करने का बहुत मजा आने वाला है वसूल है। अरे एक शॉकिंग चीज अंकित मैं कब से वेट कर रहा हूँ उस चीज का जब से नीचे से ऊपर आया तूने एक भी बार बोला नहीं तेरे फोटोज को स्टोरी में डालने के लिए फोटोज मांगे नहीं वो नीचे वाले। मैं तो भूल ही गया मैं तो ऐसा था फटाफट नहाना है रेडी होना है निकलना है। मेरा प्रैंक फ्लॉप हो गया ना। पर प्रैंक फ्लॉप मतलब अभी भेज दे मुझे मैं नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता नहीं भेज सकता पर क्यों बोला वसूल क्या कर रहा है वो पूरा वीडियो ले रहा था मैं फोटो लिया ही नहीं मैंने। यार हिरन तेरे साथ मेरे साथ क्या डाल स्टोरी अब डाल। हम हमारा निकालने वाले हैं ड्रोन। हाय ड्रोन फिर हम क्या रखते हैं छोटू। चलो छोटू रेडी हो जाओ उठने के लिए। देखो कहाँ गया था ड्रोन नहीं दिख रहा मेरे को। आप लोगों को ड्रोन शॉट दिखाता हूँ अब। अंकिता ड्रोन से एक सेकंड अंकिता ड्रोन से ब्लॉगिंग कर रही है। एक सेकंड क्यों बेवकूफी है पूछ क्यों बेवकूफी है। अबे नमूनी इसके अंदर माइक नहीं आता क्या बोले जा रही है। डीजीआई वायरलेस माइक मैं सोच रहा हूँ यहीं से शुरू करते हैं इसकी उद्घाटन करते हैं तो अनबॉक्सिंग करके फटाफट दिखा देता हूँ। हमने निकाला ये है माइक पाउच। माइक पाउच के अंदर ही सारा सामान दिया है। नाइस थोड़े टेम्पलेट वगैरह दिए हैं ये चार्ज के लिए और इसमें ये दो दिए हुए हैं जो विंड से बचाने के लिए और ये हमारा माइक है इसके अंदर चार्ज ये पूरा चार्जिंग केस है इसको हम खोलेंगे। ये दो माइक्स इसका ये रिसीवर है जो लग जाता है और रिसीवर के साथ साथ हमको काम लगेगा जो सबसे ज्यादा है वो है ये है लाइटनिंग पोर्ट जो डायरेक्टली आईफोन में लग जाएगा। तो ये सेट हो चुका है गाइस। सबसे अच्छी चीज इसकी ये है कि इसको ओपन करते देखो सारी चीजें एक साथ पेयर हो जाती है और अल्सो इसमें बैटरी लेवल्स भी दिखाते हैं जिसमें ये दिखा रहा है 15 घंटे। तो अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अंकिता बाहर जाएगी दरवाजा बंद करके चली जा निकल गेट लॉस्ट यू गेट लॉस्ट। अब बाहर जाके गालियां दे। तो मेरी आवाज आ रही कुत्ता कमीने है नाला है तू बहुत ही कुत्ता है। सेम टू यू। कहाँ जा रही है पता नहीं क्यों मुझे हिरन है ना बिल्कुल पसंद नहीं। इतना मुझे गुस्सा दिलाता है हर टाइम एक थप्पड़ मार दूं ना उसको तो मुझे इतना मजा आ जाए। आपको आवाज आ रही है जिसकी कोई हद नहीं। आजा तो हम लोग जिसको स्पेशली मिलने के लिए नासिक तक आए हैं वो आके वेट कर रहे हैं नीचे। एक्चुअली हमने पहले सोचा उसको नहीं बताना है तो उसकी क्या जॉब टाइमिंग्स होती है और तो अगर हम हम उसके लिए आए हैं और फिर वो मिल ना पाए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। डिस्कॉर्ड फॉलो कर लो वहीं से हम सबसे ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। किधर है वो ये है प्रदीप। यार प्रदीप तू रियल में हेल्दी लगता है रे। बाय द वे हाय।
ये लो दीदी। हाय कैसा है? ये ब्लैंक क्यों है तू पर? दिमाग बंद हो गया। मुझे तो सब आते। अरे पूरी बात सुन इधर। अरे जाके कहाँ जाएगी बता मुझे। अंकिता ने मेरे को कल तक ये बोला था कि मैंने प्लान्स है कि कहाँ कहाँ जाना है, पर अब बोल रही कहाँ जाएंगे मुझे क्या पता। मेरे को आज सुबह झगड़ा हुआ पता है, बोल रही मुझे क्या पता कहाँ जाने का। हाँ तो मैं गुस्से में थी इसलिए मैंने बोला मुझे नहीं पता। एनीवेज तो हम सोच रहे हैं स्टोरी यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की स्टोरी डाल देते हैं सिटी सेंटर मॉल की। हाँ 4 बजे क्या दिया है ये यहाँ का एकदम फेवरेट वाला चिवड़ा है। थैंक यू प्रदीप। हाँ हूँ जा क्या कर रहेगा। प्रदीप को गिफ्ट भी देते हैं और उसे अनबॉक्सिंग भी करवाते हैं। वैसे हमारी ब्लॉग चैनल पे तो हमने ऑलरेडी बता दिया है कि क्या लेके आए, बट पोस्ट नहीं किया अभी। हमारी तरफ से तेरे का गिफ्ट। ये तेरे लिए गिफ्ट है प्रदीप, अनबॉक्सिंग है तो बैग तो रख दे, ले अंदर रख दे। तो ये है तेरे लिए गिव अवे गिफ्ट जो तुम आने। गाने सुनने का शौक है? अकेले अकेले गाने का भी शौक है? परफेक्ट है तेरे लिए। तो एक्चुअली हम लोग साथ में निकलने वाले थे पर इसकी बाइक लेके आया ही है और इसको इजी पड़ेगा अगर वहाँ पे अंदर की तरफ वो रख देगा बाइक। कार से एक ड्रोन शॉट लेने की ट्राई कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे है ड्रोन। छोटो उड़ जा। एक्चुअली ड्रोन की बैटरी लेवल पे मेरा ध्यान पड़ा था पर मैं सोचा एक आध छोटा आ जाएगा, पर आया नहीं। तो अभी हम ड्रोन को चार्ज में लगा देंगे पहले। ये बता पीछे पीछे कॉन्स्टेंटली क्यों आ रहा है तू? पीछे पीछे क्यों आ रहा है कॉन्स्टेंटली? तो साथ में ही चल रहा हूँ। ये पीछा क्यों कर रहा है अपना अंकिता? मुझे क्या पता। अंकिता ने बोला उसको खड़े रहकर पूछ ले पीछा क्यों आ रहा है कब से कॉन्स्टेंटली। हमारे सारे शॉट में तो पीछे 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 दिख रहा है, ऐसा थोड़ी चलता है। तो आगे भी तो शॉट आ रहा है ना, 360 ले गए हम। मैंने क्यों फिर ऐसे मजाक कर रहे थे। नर्वस हो गए, डर गया। इसको हमने ना खड़ी रखा वाला साइड में खड़ी रख दो। ये कर क्या रहा है तू? एक्चुअली हमको दूसरा काम है। डर के क्या कर रही है? नहीं एक्चुअली हमको तेरा एक काम है। हमने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो आपको बताता हूँ अगर पॉसिबल होता है तो। हमने इसके हाथ में ये पहना दिया है 360 कैमरा क्योंकि ये बाइक चला रहा है, तो हम इसको कर देंगे ऑन और ये पूरा शॉट लेगा। सिटी विटी जो भी आएगा ना मॉल तक का पूरा शॉट इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा 360। तो हमारे जल से तू क्या ब्लैंक हो गया हंस रही है? पीछे चला आगे चला जो करना करो। प्रैंक है ना, बहुत तगड़ा वाला झगड़ा हुआ है हमारा बीच में। भाई रो रही है। सॉरी भी बोल चुका तो ये मत बोलना सॉरी बोल दो। Thousands of tears later. मॉल में पहुंच चुके हैं एंड प्रदीप हमको बाहर ही मिला ऊपर। मुझे लग रही है बहुत ज्यादा भूख, पर हो सकता है मॉल में पहले हम लोग किसी से मिले तो देखते हैं। हमने कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं बताई सब्सक्राइबर्स को कि हम कहाँ पे आएंगे, तो रैंडमली घूमते घूमते जो मिल गया वो मिल गया। स्पेशल मुझे ना मराठी। मेरे ना फोन की बैटरी लो हो गई है और पावर बैंक हम लोग भूल गए होटल में, तो सोच रहे 5,000 या 10,000 mAh वाली सस्ती सी ले लेते हैं ताकि फिलहाल चल जाए, ताकि ब्लॉगिंग अटक ना जाए। हमको खुशी मिली। हाय। और वो हमको मिलके खुश हो गई। ये देखो हमारी एक और सुपर एक्साइटेड सब्सक्राइबर फुल दौड़ के आई है। प्रदीप मेरे को कम नहीं देगा और अंकिता पहले लेगी स्मूदी। जब क्या 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 पिएगी? मैं देखते हैं। धीरे ने मुझे जबरदस्ती पिलाई दी है सीता। ये क्या बोल रही है कि मैंने ये जबरदस्ती दिलाया उसको? एक्सप्रेशन से पता लगेगा ना मैंने कुछ पता लगेगा झूठ कौन बोलता है। सीताफल मिल्कशेक प्रदीप ने मंगाया, वेज कोल्हापुरी सब्जी और चपाती, 3 चपाती मंगाई। और मैंने एक थाली मंगा ली जिसमें है मटर पनीर, दाल फ्राई, राइस और रोटी और सब्जी। बाय द वे हमने MI का पावर बैंक लिया 10,000 mAh का, गड़बड़ हो गई उसमें भी एक ही पॉइंट है पता नहीं। हेलो एकदम बढ़िया। क्या नाम? ये मेरी थाली आ चुकी है यहाँ पे। अभी अभी मैंने और प्रदीप ने एक प्रैंक करने की ट्राई की अंकिता पे, वो फ्लॉप गया। हम 3D मूवी का बोल के स्कैरी मूवी हाउस में ले जा रहे हैं। अरे ये सब्सक्राइबर है। हाय। क्या रोहन नाम बताया ना, इसके हर बार एक्सप्रेशन ऐसे क्यों हो जाते हैं? तो ये यहाँ के प्रॉपर है यार। वीडियोस भी डालता हूँ, सिंगिंग करता हूँ। अच्छा सिंगर है।
क्या है? मार पड़ी थी। हट। अच्छा ये स्टॉल आपका है कि अभी हमको मिले, बहुत एपिक रिएक्शन थे, अभी व्लॉग कर रहे होते तो आपके रिएक्शन जोरदार आ जाते। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं सीता गुफा और ये हम ट्रैफिक में फंसते हुए मोमेंट पे ना यहाँ से वीडियो में थोड़ी देर के लिए ना ऑडियो हमारा हो गया था डिस्कनेक्ट, तो उस वक्त हमने क्या क्या किया वो मैं नरेट करूंगा, थोड़ा सा झेल लेना। बस तो यहाँ से हम गाड़ी पार्क करके पैदल निकल चुके थे सीता गुफा की तरफ। यहाँ पे हमको बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले जो बहुत ही बात करने में मजा आई, और ये जो स्पेसिफिकली सब्सक्राइबर है ये हमको लेके गए सीता गुफा तक, मतलब हमको गाइड किया वहाँ तक। अब ये दोनों लोकल थे, घुल मिल गए एक दूसरे के साथ, बातें करने लगे मजे से, और अंकिता को लग गया वॉशरूम। अब अंकिता गलती से जेंट्स वॉशरूम में चले गई थी, पर मुश्किल से चिल्ला के हमने उसको बाहर निकाला। ओ माय गॉड, और पता नहीं क्यों वो मुझे शर्ट से ऐसे पकड़ रखी थी जैसे कहीं खो जाने वाली हो। उसके बाद हम और आगे गए, हमको मिले शनिदेव की पालकी जो कि बहुत ही अमेजिंग लकी मोमेंट था। हमने प्रार्थना की और थोड़ी देर के लिए वहीं पे हम खड़े रहे मंदिर के पास। ये मंदिर से हम निकल गए आगे जहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था स्मार्ट सिटी के लिए, और ये पहुंच गए हम सीता गुफा में। और सीता गुफा में अंदर शूट करना अलाउड नहीं था तो हमने यहाँ तक ही शूट किया, और वहाँ से हम वापस से निकल गए और स्टोरी बता रहे थे जो आप गूगल पर सर्च कर लेना। पंचवटी नदी है ये, इसकी भी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है, आप इसको भी आप सर्च कर सकते हो गूगल में, क्योंकि मैं मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ गलती से मेरे से गलत निकल जाए तो। बस बाजार होते हुए वापस गाड़ी की तरफ आ गए, वहां से तो निकल गए थे, बहुत सारी रिकॉर्डिंग की पर ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई। नया नया माइक सीख रहे हैं तो पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो जाता है, कब लिंक होता है कब नहीं, वो थोड़ा समझना पड़ेगा। तो एक जगह हम रेस्टोरेंट में आए जो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, पेरू होटल है। पेरू वैसे तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, पर ये पिटले की सब्जी है, इसके बाद रोटी मंगाई थी हमने, और ये दाल खिचड़ी। मुझे इसकी याद आएगी वापस रिटर्न होने के बाद, इतना अल्टीमेट लगा मेरे को, वहाँ पे मिलेगा नहीं गुजरात में। हाय गाइस, तो हम लोग मिलके ना एक छोटा सा प्रैंक करने वाले अंकिता पे, जिसपे इसकी फट रही है ये प्रैंक करने में, बट बेको मजा आने वाला है। मैंने इसको हिम्मत दे के बोला है प्लीज एक बार अंकिता को बोल देना कि तू मोटी लग रही है, रियल में ज्यादा मोटी लगती है वीडियो से, बोल देना। अब देखते हैं उसके रिएक्शन है, बहुत बवाल होने वाला है। तो रात के लेट हो चुकी है और हम आए प्रदीप को ड्रॉप करने के लिए। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। हमने सोचा था कि हम मिलेंगे एंड देन हम अलग हो जाएंगे, लेकिन हम पूरा दिन प्रदीप के साथ निकाला है। ठीक है, मतलब अब लग ही नहीं रहा कि ये सब्सक्राइबर है। पहले मैं जानता था डिस्कॉर्ड से वो सब छोड़, मेरे बारे में रिव्यू दे, नहीं फिर भी कुछ बोल। फ्रेंड्स रेगुलर लाइफ में चलती रहेगी, जो कैमरा में वही पीछे, मतलब ऐसा ही कमीना है, सच बात हम यही है। और जैसा वीडियो में दिखता हूँ वैसा दिखता हूँ, वैसा ही है वैसे ही। और अंकिता के बारे में बोल कुछ, थोड़ा चेंज है मेरे वीडियो सारा क्लिप रियल में। हाँ ये रहा है, एक सेकंड इसमें अंकिता का रिएक्शन देखो। क्या थोड़ा थोड़ा सा हेल्दी लगते है बस, रियल में या वीडियो में? हाँ रियल में या वीडियो में? रियल में। अंकिता ये बोल रहा है तू रियल में हेल्दी लगती है, मतलब मेरे शब्दों में बोलूं तो मोटी लगती है, तू ऐसा बोल, ये बोल रहा है ऐसा, मैंने थोड़ी बोला, मेरे को क्यों चिल्ला रही है तू? ये सब डालना मत, तो तेरी वाट लगा दूंगी मैं। रिकॉर्डिंग में ऐसे कर रहा हूँ क्या? चलो भाई चलते हैं। मैं चेंज करने के लिए गई है, मैं फटाफट आपको बता दूं, रास्ते भर अंकिता के फैमिली के साथ उसकी बात चल रही थी तो रिएक्शन कुछ आए नहीं, पर वो भूल जाए उससे पहले मैं बात छेड़ूंगा, अंकिता बाहर आएगी तब एंड देखते हैं उसके क्या रिएक्शन आएंगे, क्योंकि अपसेट तो थी, अब आई एम नॉट श्योर, शायद उसने कैजुअली लिया या देखते हैं। अंकिता कितनी देर है, मेरे को भी चेंज करना है, नींद आ रही है ना, भूल जाने का ना? उसने ऐसा बोला तो मुझे गुस्सा आया, वो मेरे में तेरे पे मजाक कर रहा था, उसके बाद आया पर तेरे में भी आया तूने, पर मैं तो मजाक कर रहा था, दिलवाया क्या ऐसा वाला पोस्ट करा था सच में, पर मैं तो मजाक कर रहा था अंकिता, तेरे मजाक की बात हो, तुझे पता है मैं कौन सी चीज में ट्रिगर होती हूँ, तो मैंने बोला हद से बुरा लगा, और मैंने उसके सामने भी बोला उसको कि
तू मुझे मोटे के उसके सामने बड़ा हई हां करके बात कर रही थी। मैंने उसको बोला कि प्रदीप मुझे बहुत अच्छा लगा तुझे मिलके, पर तूने जो ठीक है मैं वापस बुलाता कल मिलने के लिए। मुझे नहीं मिलना है, मुझे नहीं मिला, मुझे बुरा हुआ, बुरा फील हुआ, मुझे हर्ट हुआ। तुझे तो मिलेगी नहीं आएगा तो मुझे उस पे गुस्सा आया हुआ था। होना मैंने अपने आप के गुस्से को कितना कंट्रोल किया तुझे पता तक नहीं है। अरे हद है अंकित, क्या हद है हिरन भाई, काम कर। एक मिनट, ये समझ नहीं आता तू मेरे पे क्यों गुस्सा हो रही है। क्योंकि तू उसको सपोर्ट कर रहा है, उससे बात कर रहा है, तू उसके बातों में चीजों में हंस हंस रहा था, नहीं हंस रहा था मेरे पे गुस्सा हुआ तो मैंने नहीं बोला है, मैं तो मजाक कर रहा था उसके सामने। कर ले प्रदीप, तूने ऐसा क्यों बोला? ऐसा बोला उसने भी कैजुअली बोला था, कैजुअली बोला था। वो मीम याद आ गया। क्या मीम? मोटे को मोटा माना बोले, पतले को पतला ना बोले, वो क्या वो कुछ डायलॉग था ना। मुझे ऐसा फालतू की नहीं सुनने में इंटरेस्ट है, मुझे प्रदीप पे गुस्सा आ रही है ना इतनी ज्यादा। मैं उसको इतना ज्यादा सीधा इनोसेंट लगता था, वो हर लड़कियों के रिस्पेक्ट करने वाला, इज्जत करने वाला लग रहा था, बट उससे इस तरह से पूरे मेरे दिमाग में उसकी इंप्रेशन की वाट लगा दी है। और मैं उसको क्या बोलूं, मैं आज उसको मिली हूँ पहली बार, मैं तो तेरे साथ में 10 साल से हूँ ना। मैंने कुछ बोला? मैं पहली बात ये, और आज के बाद बात करने ही नहीं वाली हूँ, क्योंकि तुझे पता है कि मैं है ना कोई चीज को बनावटी बना कर शुगर कोटेड करने की मेरी आदत नहीं है। मेरे पे गुस्सा तो किसके करो? तू मेरे साथ लगा प्रदीप को भी के फोन, अब मैं उसको अभी लगा मेरे को मोटी मोटी बोलना अच्छी बात नहीं है। बोल प्रदीप को। क्या बोलूं मैं? बोल प्रदीप को कितना गुस्सा आ रहा तेरे को। फोन दे, फोन लगाओ। मैं वीडियो भेज देता हूँ, बाइक चला रहा होगा अभी। नहीं वो पहुंच गया होगा, अपने यहाँ पहुंच गया, आधे घंटे में पहुंच गया होगा। दे मुझे अभी के अभी फोन लगाओ उसको। देखो गाइस, शायद से प्रदीप कल मिलने आने वाला है कि नहीं आने वाला है पता नहीं, 99% मिलने वाला है, तो वो ये उसको मार दे। उससे पहले मैं प्रदीप के साथ मिलके बोल देता हूँ कि मैं और प्रदीप मिलके प्रैंक कर रहे थे तेरे पे। मैंने प्रदीप को बोला था ऐसे बोलने के लिए, और वो बहुत डर रहा था, उसकी बहुत फट रही थी। पर वो मान तो गया ही ना प्रदीप। प्रदीप अत्ता माजी सटकली। कौन टकली? कौन टकली? मैं टकली बस। वो तो याद है ना तेरे को। अरे प्रैंक कर रहे थे मैं। मेरे को नहीं पसंद आया। प्रदीप का भी हक बनता है प्रैंक करने का, इतने टाइम से जानता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही अमेजिंग वीडियोस कंटिन्यू है, ट्रिप चली रही है, नासिक में है हम, एंड बे तेरी भैंस की सीधे रह। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो, वीडियो को शेयर कर देना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चीजें गिरेंगी तरफ से, प्रदीप की तरफ से क्यों? प्रदीप नहीं है ना। चलो बाय गाइस, बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड एंड ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हाय, हिम्मत मत करना मेरे को, मैं ले रहा हूं बिलो, हटा रहा हूं यहां से। ओके गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। बस याद करवाने आया हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ एंड डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप टू विन महिंद्र थार एवरी मैच एंड गेट एक्स्ट्रा 20% कैश ऑन डिपॉजिट। लीडरबोर्ड प्राइस में जीतो लग्जरियस मर्सिडीज ए क्लास लिमोजिन। अभी ज्यादा मत सोचो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करो एंड टीम बनाओ, एंड मिलते नेक्स्ट वीडियो में। लॉट्स ऑफ लव।